नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। TV20 न्यूज पर अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ से है, जहां सीओ सगड़ी और जीएनपुर कोतवाल ने बैंकों में चेकिंग अभियान चलाया। आपको बता दें, आजमगढ़ के पुलिस क्षेत्राधिकारी सगड़ी अनिल कुमार वर्मा ने सोमवार को जीएनपुर स्थित कई बैंकों में लगी आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी दी। बंद सीसीटीवी कैमरे को तुरंत चालू कराने का निर्देश भी दिया। सगड़ी तहसील के कई बैंकों में पॉकेटमारों और उचक्कों के द्वारा उपभोक्ताओं को ठगने की आए दिन शिकायत मिल रही थी। बैंक के उपभोक्ता अक्सर ठगी के शिकार हो जाते हैं, जिसके लिए बैंकों में सीसीटीवी कैमरे, आपातकाल के लिए इमरजेंसी अलार्म की भी व्यवस्था की गई है। सोमवार पुलिस क्षेत्राधिकारी सगड़ी अनिल कुमार वर्मा ने भारतीय स्टेट बैंक, जीएनपुर, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक जीएनपुर सहित कई बैंकों की सुरक्षा की हकीकत जानी। बैंकों के सीसीटीवी कैमरे, आपातकाल के लिए लगे सायरन और बैंक में तैनात कर्मचारियों की भी जानकारी ली। दो बैंकों में कई प्रमुख सीसीटीवी कैमरे बंद मिले, जिसको तत्काल ठीक कराकर चालू कराने का निर्देश भी दिया गया। जांच के दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जीएनपुर यादवेंद्र पांडे भी मौजूद रहे।